नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। मैं हूं इम्तियाज अंसारी। प्रस्तुत है समाचार। बंसीधर नगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में बुधवार को स्थानीय नीति को लेकर अनिकेत पैलेस के निकट बस स्टैंड में रघुवर दास का पुतला दहन किया। पुतला दहन के बाद नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भोनापुर विधानसभा क्षेत्र के नेता कन्हैया चौबे ने कहा, स्थानीय नीति से जो हमारा पलामू प्रमंडल को नुकसान हो रहा है, नौजवान छात्रों को, उसके लेकर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि स्थानीय विधायक की नैतिकता नहीं है, बची है कि वह नौजवानों का नेतृत्व करे और इस्तीफा दे। रघुवर तो मान लो आया है परदेशी, उनका बाल बच्चा यहाँ नहीं है झारखंडी, इसलिए उनको मोह ममता नहीं है। लेकिन ये तो यही के नौजवान से बड़ा पला फूला, तो सदन में इसको आवाज बन के जब उठाना चाहिए था स्थानीय नीति के खिलाफ, तब तो ये रघुवर से अपने को बेच के अपना लाभ कमाया। आज भी नौजवान जो है भटक रहे हैं और ये जो ठेकेदारी में लगा हुआ है आतंक मचा रखा है। अभी लड़कियों की शादी के बहाना से अपने कार्यकर्ता से लेके पूरे अधिकारी कर्मचारी ठेकेदार से वसूली करवा रहा है और नौजवान संघर्ष मोर्चा नाम रखा है पार्टी का, नौजवान को रोजगार नहीं मिला, संघर्ष करता नहीं है जनता के लिए और मोर्चा का नेता बन के माल खा रहा है, जहां मन तहां सट जाएगा। अब नौजवानों को सड़क पर उतारने के लिए मैं मजबूर हूं। आने वाला 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह के कार्यक्रम के दिन भोनापुर विधानसभा के समस्त नौजवान दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अपने हक हकों के लिए सड़क पर उतरेंगे और सरकार और विधायक को ईंट से ईंट बजा देंगे। मौके पर झामुमो के सूरजदेव मेहता, रामचंद्र मेहता, नासिर अंसारी, दयानंद पांडे, सीताराम पासवान, सुरेंद्र सिंह, जेसीएम के प्रखंड अध्यक्ष इब्रार खलीफा, सदाम अंसारी, पंकज नंदा चौबे, आशीष चौबे, आनंद यादव, नवनीत रंजन इत्यादि सैकड़ों छात्र नेता लोग मौजूद थे। धन्यवाद।